नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान में स्पेशली सर्दियों में बनाई जाने वाली कूटे हुए बाजरे की राबड़ी। इसको बनाने के लिए मैं एक कटोरी साबुत बाजरा ले रही हूँ। बाजरे को एक बोल में डाल देते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर बाजरे को गीला कर देते हैं। बाजरा सूखा नहीं रहना चाहिए। अब ढक्कन लगाकर आधे घंटे के लिए रख देते हैं। इससे बाजरा पानी सोख लेगा और इसमें नमी आ जाएगी। आधा घंटा हो गया है, बाजरे ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। ऊपर से सूखा लग रहा है लेकिन अंदर इसमें नमी आ गई है। बाजरे को मिक्सी जार में डाल देते हैं और 3-4 बार व्हिप बटन दबाकर चला लेते हैं। मैंने इसे चला लिया है और इसे किनारे वाली थाली में निकाल देते हैं। ये देखिए, इस तरह से तैयार करना है। इसमें बाजरे के दाने पूरी तरह टूटे नहीं हैं। अब इसे फटक लेते हैं। इससे बाजरे के छिलके उतरे हैं वो आगे आ जाएंगे और उन्हें निकाल देंगे। बाजरा साफ हो गया है, छिलके मैंने निकाल दिए हैं। अब बाजरे को फिर से मिक्सी जार में डालकर चलाकर इसका दलिया तैयार कर लेते हैं। मैंने बाजरे का दलिया तैयार कर लिया है। अब कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। एक छोटी चम्मच देसी घी डाल देते हैं, एक चम्मच जीरा डाल देते हैं। जीरे को पूरा चटकने नहीं देना है, जीरे में थोड़ा कच्चापन रहना चाहिए। अब दलिया डालकर भून लेते हैं। दलिया का कलर चेंज होने लगा है। अब इसमें 2 गिलास पानी डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। इसे बीच बीच में चलाते हुए उबाल आने देना है। चलाएंगे नहीं तो दलिया नीचे बैठ जाएगा और चिपक जाएगा। दलिया उबलने लगा है, अब इसे ढक्कन लगाकर 3-4 मिनट तक पका लेते हैं, बीच बीच में चलाते रहें। मैंने 300 ग्राम खट्टा दही लिया है, आप बटर मिल्क भी यूज कर सकते हैं। इसमें आधा गिलास पानी डालकर घोट लेते हैं। कढ़ाई से ढक्कन हटा देते हैं, दलिया अच्छे से उबलने लगा है। अब इसमें ये घोटा हुआ दही डाल देते हैं। आधा गिलास पानी और डाल देते हैं। लगातार चलाते हुए उबाल आने देते हैं। राबड़ी अच्छे से उबलने लगी है। बीच बीच में चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। जैसे जैसे राबड़ी पकेगी ये गाढ़ी होने लगेगी। अभी थोड़ी कच्ची है इसलिए इसे 3-4 मिनट के लिए और पका लेते हैं। राबड़ी को पकाने में लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगा है। ये देखिए, ये गाढ़ी हो गई है और पूरी तरह से बाजरे के दाने भी पक गए हैं। आप दाने को फोड़कर देख भी सकते हैं। हमारी कूटे हुए बाजरे की राबड़ी बनकर तैयार है। गैस ऑफ कर देते हैं। गरम खट्टी राबड़ी को बाजरे की रोटी और हरी मिर्च के अचार के साथ सर्व कीजिए।
बहुत ही हेल्दी खाना होता है ये। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।